हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं अपने हर बार एक नया टॉपिक लेकर आती हूँ जो कि मुझे लगता है कि सब लोगों को पता होना चाहिए। गार्डनिंग करते टाइम हर साल पॉसिबल नहीं होता है कि हम हर वैरायटी का प्लांट खरीदें। उससे क्या होता है कि हमारी कॉस्टिंग हर साल बहुत बढ़ती जाती है। तो मैं क्या करती हूँ कि जब भी कोई भी प्लांट्स खरीदती हूँ उसका सीड जो है सेव करके रखती हूँ नेक्स्ट ईयर के लिए। वेजिटेबल्स में भी सेम फंडा अपनाती हूँ मैं, और फ्लावर्स प्लांट्स में भी, क्योंकि जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं जो रनर्स से बनते हैं या कटिंग से बनते हैं उनका तो कोई इशू नहीं होता है, लेकिन जो सीड से ग्रो होते हैं उनके सीड्स हमें कलेक्ट करके रखने पड़ते हैं। सीड्स कलेक्ट करना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान होता है। बस ध्यान रखना होता है कि एक तो आपके टेरेस पर पॉलिनेशन, टेरेस या बालकनी में आप गार्डनिंग कर रहे हैं तो पॉलिनेशन का आपका कहीं ना कहीं कोई सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिससे पॉलिनेशन हो जाए। तो मैंने कल आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था, उसमें मैंने एक ट्रिक आपको दिखाई थी, वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा कि किस तरीके से आपके टेरेस पर ईजिली बीज आ सकती हैं। देखिए मेरे, अभी भी मैं दिखा सकती हूँ, ये देखिए मेरे एक मैंने छोटा सा कंटेनर रखा हुआ है पानी का, और उसमें आप देख पा रहे होंगे कितनी सारी बीज आई हुई हैं। तो मेरे को आसानी रहती है बीज के लिए, मुझे कोई पॉलिनेशन के लिए मुझे कोई और रूल नहीं अपनाना पड़ता है। तो जितने भी अपने सीड स्पॉट बनते हैं उनके लिए भी पॉलिनेशन, अच्छा सीड बनेगा तभी जब पॉलिनेट होगा फ्लावर। तो मैं आज आपको पिटूनिया के सीड्स, चूँकि इसके सीड्स बहुत महीन होते हैं, उनको आपको सेव करना बता रही हूँ कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये बस अब इसका फ्लावरिंग का लास्ट स्टेज है, और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी ये प्लांट ख़त्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर के लिए मैं इसके सीड्स कलेक्ट करके रख रही हूँ। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, एक तो इसके हर फ्लावर के बाद, खिलने के बाद में सीड पॉड नहीं बनता है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। हर फ्लावर के साथ नहीं बनता है, कुछ ही फ्लावर्स में बनता है मेरे। तो देखिए इसमें आप, पता नहीं दिख रहा होगा आपको, छोटा सा इसमें सीड नहीं है। मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ, ये देखिए एक आपको छोटा सा एक इसमें दिख रहा होगा सीड पॉड, लेकिन इसके अंदर कोई भी सीड नहीं है। अब मैं दूसरा आपको दिखाती हूँ जिसके अंदर सीड्स बने हुए हैं। देखिए ये देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये काफ़ी मोटा है और इसके अंदर सीड्स बन चुके हैं, और मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, पक भी चुके हैं वो। देखिए इसका सीड कितना महीन होता है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर हम इसको कलेक्ट करके नहीं रखेंगे तो अगले साल हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हम लोग हर साल सॉइल को थोड़ा सा ऊपर से वो करते रहते हैं। वैसे तो मैं काफ़ी सारे प्लांट तो मेरे ऐसे हैं जिनके सीड्स मैं अभी डाल दूंगी तो वो अगले साल ही जाके जर्मिनेट होंगे, पूरे सीज़न वो डोरमेंसी में पड़े रहेंगे और नेक्स्ट ईयर वो अपने आप जर्मिनेट हो जाएंगे और मुझे प्लांट्स मिल जाएंगे। लेकिन कुछ सीड्स जो बहुत ज़्यादा महीन होते हैं उनको मैं कलेक्ट करके रखती हूँ। तो ये पिटूनिया का सीड है, मेरे पास दो वेराइटी हैं अभी, तो मैंने दोनों के सीड्स कलेक्ट कर रही हूँ। आप देख पा रहे होंगे कितना महीन सीड होता है। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना होगा कि जब भी हमारा फ्लावर सूख जाता है, सूखने के बाद सिर्फ आप थोड़े दिन इसके ऊपर रहने दीजिए, और उसके बाद इसको आप हटाएंगे तो आपको पता चलेगा। मेरे काफ़ी सारे देखिए बन रहे हैं, इसमें भी आप देख पा रहे होंगे काफ़ी मोटा वो है, तो ये पक जाएगा। इस तरीके से मैं सीड्स कलेक्ट कर लूँगी। सेम मेरा एक वेराइटी ये है मेरे पास, दोनों के डिफरेंट कलर हैं, ये देखिए इसके अंदर भी बन रहा है, और एक आई थिंक बन चुका है इसमें, देखिए मैं दिखाती हूँ। देखिए ये भी आप देख पा रहे होंगे सूख गया है, तो इसके भी मैं सीड्स कलेक्ट कर रही हूँ। देखिए कितना महीन सीड निकलता है, और ये आप किसी भी पेपर में बस इनको नेक्स्ट छाँव में एक दो दिन सुखा लीजिए, और उसके बाद एयर टाइट कंटेनर में इनको पेपर में रैप कर करके रख लीजिए, और नेक्स्ट ईयर आप इनको सो करेंगे तो ये आपके पास एक प्लांट से कितने सारे प्लांट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इनका सीड्स का आपको कलेक्ट करना होगा। बहुत महीन होता है तो ध्यान रखना होगा कि कलेक्ट करते टाइम जब भी आप सुखा रहे हैं तो कहीं हवा से ही ना उड़ जाएँ, तो किसी बाउल, गहरे बाउल में इनको सुखाइएगा, और एक दिन बस शेड में रखने के बाद में आप इनको कलेक्ट करके न्यूज़पेपर में रैप करके और एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। ध्यान बस यही रखना है कि हर एक पर सीड पॉड नहीं बनता है। देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा बड़ा सा,
और देखिए इसमें आपको नहीं दिखेगा, इसमें ये नहीं बना हुआ है, क्योंकि देखिए मैं तोड़ के दिखा देती हूँ इसको। इसके अंदर ये सूख गया है लेकिन इसके अंदर सीड नहीं है। तो बस आप देख लीजिएगा जो अच्छा सा मैच्योर है, मोटा है, उसके अंदर सीड, देखिए इसके अंदर कोई सीड नहीं है। तो जो इस तरीके के बड़े बड़े बने हुए हैं, इन सब के अंदर सीड बनेंगे। देखिए जैसे ये है, दिख रहा होगा आपको, काफ़ी बड़ा है, इनके अंदर सीड बनेंगे। तो इस तरीके से आप सीड्स कलेक्ट करके रख सकते हैं, जितने भी आपके फ्लावर्स हैं। सेम देखिए ये कैलेंडुला है, कैलेंडुला का ये ड्राई हो चुका है, बस इसको तोड़ के, इसका सीड तो अगर हम अभी भी सॉइल में डाल देंगे ना तो नेक्स्ट ईयर अपने आप जर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको अलग अलग कंटेनर्स में लगाना है तो आप इनको दो तीन दिन शेड में सुखाकर न्यूज़पेपर में रैप करके रख लीजिए, अलग अलग कलर्स के लिख लीजिएगा, जिससे याद रहे कि आपका कौन सा कलर आप कलेक्ट कर रहे हैं। और इस तरीके से आप अपने सीड्स कलेक्ट करके नेक्स्ट ईयर आप इनको काफ़ी सारे अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं, एक दूसरे को दे सकते हैं, और इस तरीके से खूब सारे आप नेक्स्ट सीजन में फ्लावर्स लगा सकते हैं। मेरे तो ये देखिए मेथी का सीड थोड़ा सा ही हुआ था, मैंने किया नहीं था, थोड़ा सा ये सुखा के रखा है, इधर मैरी गोल्ड है। इसी तरीके से मैं अपने सारे सीड्स सुखा सुखा कर रख रही हूँ नेक्स्ट ईयर के लिए, जिससे कि नेक्स्ट ईयर खूब सारी फ्लावरिंग हो हमारे टेरेस पर, बालकनी में, आप जहाँ भी रह रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप नेक्स्ट ईयर के लिए बिना खर्चे के खूब सारे फ्लावर्स ले सकते हैं। और पिटूनिया का तो आपके अड़ोस पड़ोस में जान पहचान में अलग अलग वैरायटी के कलर्स हैं, तो आप उनसे भी ये सीड पॉड लेके आ सकते हैं और अपने यहाँ खूब सारे कलर के फ्लावर्स इकट्ठे कर सकते हैं। और ये देखिए विनका, इसका तो इतना इजी टू ग्रो प्लांट है ये, कि इसके सीड्स हर फ्लावर के बाद में सीड पॉड बनता है, सीड पॉड बनने के बाद में सीड्स गिरते हैं। और ये देखिए ये इसमें से किसी में से सीड्स, ये मैंने कटिंग से लगाए, छोटी छोटी मैं कटिंग्स मैंने काट के लेकर आई थी। और ये देखिए कितना छोटा सा कंटेनर है, ये मैंने सिर्फ कटिंग के लिए लगाया था, और इसी में ये देखिए फ्लावर्स फ्लावरिंग हो रही है, बहुत अच्छे से खिल रहा है। और बहुत आसान, इजी टू ग्रो प्लांट है, और समर्स में आपको आपकी बगिया को बिल्कुल कलरफुल रखेगा। तो विंका तो आप अच्छे से लगाइए। हाइब्रिड का मेरे को एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वाटरिंग से गल जाता है, लेकिन इसका मुझे जहाँ तक है ये बहुत हार्डी प्लांट है, क्योंकि देशी वेराइटी है, बहुत आसानी से चलती है, और आपके इतने सारे टेरिस पर मल्टीप्लाई हो जाएंगे कि आप उखाड़ते उखाड़ते परेशान हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने इस साल जितने भी आपके पास फ्लावरिंग प्लांट हैं उनके सीड्स कलेक्ट करिए, और नेक्स्ट ईयर पूरे अपने गार्डन को हरा भरा और कलरफुल करिए। और लास्ट में जो मैं बोलती हूँ अगेन, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, पेज पर हैं तो फॉलो कर सकते हैं। इसी तरीके की ट्रिक्स एंड टिप्स मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, और कोशिश करूँगी बहुत कम खर्चे में आप अपनी गार्डनिंग कर सकें। बहुत आसान होता है, मुझे जो लगता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा आपको खर्चे की ज़रूरत नहीं होती है, आप बहुत आसानी से अपनी गार्डनिंग कर सकते हैं। 1x1 में मेरे पास जितने भी प्लांट्स हैं, मैं सबके केयर टिप्स और उगाना कितना आसान है मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो मेरे साथ बने रहिए, और आपके इतने सारे सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।